आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। बिहार में डेंगू का डंक तेज, टूटा रिकॉर्ड, पटना में आंकड़ा 2000 के पार, जिलों में रोज 100 से 150 केसेज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा ने सलाह दी है कि इस माहौल में खूब पानी पिए ताकि शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके, फुल स्लीव कपड़े पहने और संभव हो तो शाम सुबह पार्क में नहीं जाएं, लक्षण जरा भी दिखे तो जांच अवश्य करवाएं। आपको बता दें कि बिहार में डेंगू एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। राज्य के सभी जिलों से प्रतिदिन लगभग 150 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना की स्थिति और भी खराब है। आज तक पटना में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 2000 पार कर गया, जो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा रहा। अस्पतालों में ओपीडी में बुखार, बदनदर्द और सर्दी के मरीजों की भीड़ लगी है। जांच के लिए भी बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि लोग चिंतित हो गए हैं। पटना के एक अस्पताल के डॉक्टर एमके सिन्हा ने कहा कि 100 लोग टेस्ट कर आते हैं, उनमें से 70 लोगों में डेंगू का लक्षण मिल रहे हैं। 3-4 साल बाद राज्य में डेंगू आतंक मचा रहा है। राजधानी पटना में 2000 से ज्यादा डेंगू पीड़ित मरीज अब सामने आए हैं और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। बारिश होने की वजह से डेंगू की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर सिन्हा ने सलाह दी है कि इस माहौल में खूब पानी पिए ताकि शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके, फुल स्लीव कपड़े पहने और संभव हो तो सुबह शाम पार्क में नहीं जाएं। डेंगू से मिलते जुलते लक्षण जड़ा भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से इसकी जांच करा लें। इधर कैमूर में ओपीडी में बुखार वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में विशेष कक्ष बनाने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने रोगी कल्याण समिति के कोष से डेंगू जांच किट खरीदने का प्रभारी और उपाधीक्षक को निर्देश दिया है। सदर अस्पताल में 30 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, पर डेंगू जांच किट नहीं होने से परेशानी ज्यादा है। डेंगू बुखार की सतर्कता को देखकर जिले के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।